हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, कमजोरी हो गई है, ऐसे में हम क्या खाएं क्या लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि भीगे जो चने होते हैं वो कितने यूज़फुल होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और हमारे कमजोरी को ख़त्म करने में। तो मैं आपको यहाँ पर काले चने जो होते हैं उनके भीगे हुए चने और उबले हुए चने के खाने के फ़ायदे बताऊंगी, जिससे आप अपनी कमजोरी को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप मेरे पास देख रहे हैं कि बाउल में ये मेरे पास उबले हुए चने हैं और दूसरे बाउल में काले चने भीगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, काला चना फाइबर से भरपूर होता है और ये पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। रात में पानी में भिगोकर चना रख दें और सुबह इसका सेवन करें तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। कब्ज की समस्या दूर होगी, साथ ही जिस पानी में चने को भिगोया गया हो उसे पीना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि काला चना एंटीऑक्सीडेंट, एंथायाइन और ये कई चीज़ों से भरपूर होता है। ये दिल की बीमारियों को दूर कर स्वस्थ रक्तवाहिनियों यानी कि आपकी जो रक्त शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें खून का बढ़ावा करने में हेल्प करता है। साथ ही फोलेट और मैग्नीशियम का भी एक अच्छा स्रोत है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करता है। दूसरा है, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काले चने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पच जाते हैं जिसके कारण ब्लड शुगर के स्तर को कम किया जा सकता है, इसलिए यह इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान दे सकता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी कम कर सकता है। काले चने में घुलनशील फाइबर होने के कारण यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए काला चना बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है और जो एनीमिया को यानी कि खून की कमी को रोकने में मदद करता है और बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। काले चने में फोलेट्स, आहार फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉपर, आयरन ये सब चीजें होती हैं जो त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चने भिगोए हुए पानी में चेहरा धोने से चमक भी आती है और आपका जो फेस है वो भी साफ होता है और आपका जो खून है वो भी बढ़ता है। और अगर आपको थकान और कमजोरी रहती है तो ऐसे में आप अगर इनका सेवन करते हैं या फिर आपको कोई बीमारी का संकेत आ रहा है तो ऐसे में लापरवाही ना करें और आप इन काले चनों को खाएंगे तो आपके जो शरीर की कमजोरी है वो भी खत्म होगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इनका। तो इस तरीके से आप काले चने को खाकर अपनी जो कमजोरी है उसको ख़त्म कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज से ही आप काले चनों को खाना शुरू कर दीजिए। इनको बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी खा सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो आप बच्चों को जैसे अच्छे लगे उबाल कर या फिर भीगे हुए चने खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।